मत देख चश्मा <laughs> <laughs> <ज़िए> लगा <laughs> कितना डीप ना जाए बहुत ये ये होती है पॉडकास्टिंग की स्किल अच्छी है थोड़ा सा दर्द दिखाई देता है हमें किसी भी आर्टिस्ट में आप, आप रणबीर कपूर इन रॉकस्टार की तरह हो तो आपकी नरगिस फाकरी कौन है आपकी ट्रिपल एच की स्टेफनी मिकमैन कौन है या थी कुछ बताइए हो गया अगर तू मुझे चैलेंज करके पॉडकास्ट करेगा ना तो मैं घंटा नहीं, नहीं, नहीं देखे जाने वाला हूँ ये, ये, ये मैं आपको एक छोटे भाई की तरफ पूछ रहा हूँ कि भैया बताइए क्या किसी ने आपका दिल कभी तोड़ा है हाँ। हाँ? मुझे आज मतलब इतने सालों बाद अगर मैं उस चीज को वापस देखूं तो मुझे लगता है कि किसी बंदी ने नहीं तोड़ा है

हाँ शायद टूटा भी नहीं लगता है आपको ऐसा आप तो बैठ के कि आ, भाई मेरा तो दिल टूट गया मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत इजी है सैड होके सिंपती लेना बहुत इजी है किसी भी इंसान की लाइफ में आपको ऐसा सामने वाले को दिखाना कि भाई मैं तो परेशान हूं किसी चीज से इससे कोई चीज नहीं आपकी लाइफ में करने को विक्टिटी विक्टम मेंटेलिटी थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है उसमें आप सामने वाले का फायदा उठाने की कोशिश करते हो कुछ ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि आप बस ऐसा बोल दो कि यार मैं तो सैड हूँ उससे आप पूरी वाइब खराब कर सकते हो किसी भी चीज की पर वो बहुत ईजी है ये बताना कि हाँ चलो ठीक है मैं मूव ऑन करता हूँ या ओवरकम करता हूँ उस चीज़ को कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कैसी भी है मैं उसको टैकल कर लूंगा या यार देखी जाएगी कुछ तो कर ही लेंगे अभी हम मेहनत करते हैं अभी काम करते हैं उसमें मेहनत है इस थॉट प्रोसेस में ही मेहनत है साइड होके बैठ जाना बहुत ईजी है और सामने वाला जब आपको बोले कि भाई खड़ा हो काम कर और तो आपको उसे बोलना बहुत ईजी है कि यार मैं सैड हूं समझ तू मुझे समझ नहीं रहा मेरी ड्यूटी नहीं है तुझे समझना पहली बात तो ठीक है करो काम करोगे कल को बेट होगा ही ऐसा नहीं है किसी की भी मेहनत पहली बात तो वेस्ट नहीं जाती अब करते रहोगे तो कुछ ना कुछ होगा ही मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती बहुत लोग ही जाती भी है लेकिन मिल जाते हैं रिजल्ट आप एटलीस्ट सेटिसफाइड तो होते हो अभी सतीश कौशिक साहब की आजकल एक रील वायरल हो रही है वो उन्होंने उन, उनकी मतलब मैं, मैंने अभी सुना था परसों वर्सों कि आप अगर नाकामयाब भी हो तो कम से कम ऐसी चीज़ में हो जो आपको पसंद है हाँ हाँ बट वो नाकामयाब होने के बाद वो चीज़ जो आपको पसंद है वो करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आप बस बैठ नहीं सकते शांति से कि हाँ भाई मुझे नहीं पता मेरे से हो नहीं रहा है कुछ भी तो वो वाली चीज़ में दिल टूटने तूट, दिल में बोल रहा था कि हम उसे मान लेते हैं कि हमारा दिल टूट गया है अब हम बैठ गए हैं और वो हार्ट ब्रेक में वही बोलूँगा हर चीज़ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से काम से रिलेशनशिप से माँ बाप के गुस्से से भाई बहन के गुस्से से किसी भी चीज़ से तो वो मानना इजी है मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए मैंने माना था उस टाइम पे कि हाँ मेरा तो दिल टूट गया मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में और आप उससे ब्लेम कर तो सामने वाले को कि तेरी वजह से नहीं कर रहा वरना तो मैं बहुत काबिल था क्या बात है <laughs> कर लो बाहर निकलो जाके कर लो <laughs> वही वो, वो है ना कि कितनी झूठी थी ये मोहब्बत की कसम आज तुम भी जिंदा और मैं भी मरा नहीं तो होता कुछ नहीं एट द एंड ऑफ द डे आप अगर रिलेशनशिप से मूव ऑन करो या किसी भी चीज़ से आगे होता कुछ नहीं है फालतू की बातें लोगों नहीं नहीं तो। कि का टूटता है, तो लोग है जो रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं दिल दोनों का टूटता है एक का एक सैड होता है तो हमें लगता है इसका ज्यादा टूट गया एक गुस्सा होता है उसका भी बराबर टूटता है क्योंकि उसे भी तो नहीं मिला ना वो चीज जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे तो टूटता तो दोनों का ही है अब वो लेता कौन किसे कैसे है वो अलग बात